छपरा से फारुखाबाद के लिए एक नई ट्रेन का परिचालन रेलवे ने शुरू किया है, जिसका परिचालन आपको मार्च के पहले सप्ताह से देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को करें शुरू, उसके साथ ही चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। छपरा से फारुखाबाद के बीच रेलवे एक नई ट्रेन का परिचालन शुरू करने जा रही है। सप्ताह में यह ट्रेन 3 दिन चलेगी और स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में इस ट्रेन का परिचालन छपरा फारुखाबाद स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से शुरू होने जा रहा है। यह ट्रेन 05083 के साथ चलाई जाएगी। यह ट्रेन छपरा से फारुखाबाद के बीच सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जिसकी जानकारी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही दे दिए हैं। यह ट्रेन दिनांक 2 मार्च से इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है। प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और शनिवार को यह ट्रेन छपरा से शाम 6:10 पर प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन दोपहर 12:20 पर फारुखाबाद को आएगी। वापसी दिशा में यह ट्रेन 05084 के साथ चलेगी। फारुखाबाद से छपरा के बीच यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। अग्रिम सूचना तक इस ट्रेन का परिचालन देखने को मिलेगा। प्रत्येक बुधवार, रविवार को इस ट्रेन का परिचालन किया जाना है। फारुखाबाद से यह ट्रेन 2:35 पर दोपहर में खुलेगी और प्रस्थान करने के बाद यह ट्रेन सुबह में दूसरे दिन 8:35 पर छपरा स्टेशन को पहुंचेगी। चलिए जान लेते हैं इस ट्रेन के स्टॉपेज और ठहराव के बारे में। यह ट्रेन दोनों ही दिशाओं में गौतम स्थान, मांझी, रेवती, बलिया, रासरा, रतनपुरा, इंदिरा जंक्शन, मऊ, मोहम्मदाबाद, आजमगढ़, अकबरपुर, शाहगंज, अयोध्या, फैजाबाद, बाराबंकी, बादशाहनगर, लखनऊ सिटी, ऐशबाग, उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, कानपुर अनवरगंज और कन्नौज रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में जोधपुर से दिल्ली जाने वाली नई ट्रेन के बारे में जानेंगे। उसका अपडेट पाने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें शेयर।